नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। डायरेक्टर मिलन लुथारिया की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान हाशमी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित शोएब खान का किरदार निभाया था। यह इमरान की करियर की कामयाब फिल्मों में से एक है। हालांकि महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि इमरान इस फिल्म में काम करे। उन्होंने इमरान से कहा था कि अगर यह फिल्म करेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें फिल्म के क्लाइमेक्स से भी दिक्कत थी, लेकिन जब यह फिल्म सफल हुई तो महेश भट्ट ने फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथारिया से भी माफी मांगी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इमरान हाशमी ने कहा, डायरेक्टर मिलन लुथारिया ने पहले फिल्म की कहानी महेश भट्ट को सुनाई थी। उन्हें शोएब खान के किरदार को लेकर कुछ संदेह था। उनको लगा था कि ऐसा किरदार है जिससे मेरी इमेज बदल जाएगी। आमतौर पर देखा गया कि फिल्मों के ग्रे शेड के किरदार से निकलना आसान नहीं होता है। इमरान हाशमी आगे कहते हैं, भट्ट साहब ने कहा कि शोएब खान का ऐसा किरदार है, वो अगर करोगे तो करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें फिल्म के क्लाइमेक्स से भी दिक्कत थी, जिसमें दिखाया जाता है कि फिल्म का हीरो यानी अजय देवगन मर जाता है और विलेन यानी इमरान हाशमी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो अब मुंबई पर राज करेगा। उनका मानना था कि ऐसे क्लाइमेक्स दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। इमरान हाशमी ने कहा, जब फिल्म रिलीज हुई शोएब खान के किरदार को दर्शकों ने पसंद किया, फिल्म के क्लाइमेक्स को भी दर्शकों ने स्वीकार कर लिया। तब महेश भट्ट ने डायरेक्टर मिलन लुथारिया से माफी मांगी। उन्होंने फोन करके कहा कि माफ करना, मैं गलत था। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने हाजी मस्तान से प्रेरित सुल्तान मिर्जा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा के भी अहम किरदार थे। इस फिल्म का सीक्वल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा 2013 में रिलीज हुआ। इसमें अक्षय कुमार ने शोएब खान की भूमिका निभाई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।